नाना के मुंडिया रोड स्थित जीके स्टेट में प्राइवेट स्कूल में टीचरों द्वारा मारपीट कर दिव्यांग बच्चे की टांग तोड़ देने का मामला सामने आया है, जबकि उसके परिवार को फोन लगाकर ये बताया गया कि गिरने से चोट लगी है। बच्चे को इलाज के लिए सीएमसी अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां पर डॉक्टरों द्वारा पिटाई की आशंका जाहिर करने के बाद परिवार हरकत में आ गया। बच्चे के साथ क्रूरता का यह व्यवहार सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है, जिससे साफ पता चल रहा है कि उससे रात पर कुर्सी पर बांध कर रख कर पीटा गया। पुलिस ने स्कूल संचालक और केयर टेकर को गिरफ्तार कर लिया है। इन्हां दी जीके स्टेट दे विच परपन स्कूल आ, बच्चों का बलाइंड स्कूल, बच्चे आ कुछ कुछ मध बुद्धि के बच्चे हैं। इन्हां दा स्कूल चला रहे हैं गुलशन कुमार जी प्रिंसीपल, जिन्हां विच 46 बच्चे हैं जिहड़े इत्थे पढ़ाई करते हैं, जिन्हां विचों 11 बच्चे जिहड़े होस्टल 'च इत्थे रहिंदे आ, उन्हां नूं इह खाणा दिंदे आ। ते उन्हां विच इक इशविंदर बच्चा सीगा, 29/7/31 दी सवेर नूं कितने बाथरूम के जां बुरश करन दे करके इन्हां दा आपस में बच्चों का कोई तरकार होया, तो इन्हां दे एक मनोज कुमार ने उन्हें कुटिया, उसकी लत तोड़ के सीएमसी दाखिल कराया होया। तो उसके फादर गुरमीत सिंह के बयान पर असीं एक केस रजिस्टर किया है। पंकज ने इन्हें कुटिया सीगा, जिहड़ा सीसीटीवी में बन्नण वाली गल आ जी, वो इस तरह दसदे आ, पुछगिछ च पता लग्या भी बच्चे कई बार अपने मंदबुद्धि होण करके अपनी कोटी भी यह खाण लग जाते हैं या यूज करते हैं, फिर उन्होंने हाथ बन देंगे अं, इस करके बन्ने दसिया उन्होंने। एक जी 325 है जी धारा, तो 420 आ उन्होंने दसिया भी इन्हें जाली खोली हुई है, वो तफ्तीश की जा रही है। वो 342 वो भी धारा लाई है, 342 जी गुलशन कुमार जी प्रिंसीपल आ जोड़े असं और गिरफ्तार कर ले, उन्होंने कोर्ट च पेश किया जा रहा है, अज उन्होंने कोर्ट च पेश कर रहे हैं जी। अगली प्रोसैस जिदा इनकुआरी अफसर तो करा के नहीं, अजे तक तो नहीं है, वैसे यदि इनकुआरी चल रही है, डीसी साहब तो भी इन्होंने करावे पता करा जी, SDM साहब ने दसिया है।